वेलकम अगेन स्टूडेंट्स, और आज की इस वीडियो में हम करेंगे MCQs यानी बहुविकल्पी प्रश्न चैप्टर 6 के लिए जैव प्रक्रम। और इससे पहले जो 5 चैप्टर्स हैं उनकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर विजिट करके आप सारे चैप्टर्स के MCQs को रिवाइज कर सकते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हरे पौधों में पोषण की विधि है। तो हरे पौधों में पोषण जो है कैसे होता है, परजीवी विधि है, स्वपोषी है, विषमपोषी है या मृतजीवी है। तो देखिए, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो वो विधि कौन सी है, स्वपोषी है। नेक्स्ट, अधिकतर कवक में पोषण का प्रकार क्या है, मृतजीवी है, परजीवी है, स्वपोषी है या प्राणी समभोजी है। तो अधिकतर कवक में पोषण का प्रकार कैसा है, मृतजीवी प्रकार होता है। नेक्स्ट, अमरबेल पौधे में पोषण का प्रकार क्या है, तो अमरबेल स्वपोषी है, विषमपोषी, प्रकाश संश्लेषण या पोषक युक्ति। तो देखिए, अमरबेल पौधा एक विषमपोषी पौधा है। नेक्स्ट, तिलचट्टे होते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या मृतजीवी। तो जो तिलचट्टे होते हैं वो मांसाहारी होते हैं। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण का क्या अर्थ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण कैसे होता है, श्वसन प्रक्रिया द्वारा, पोषण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा या उत्सर्जन द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं पौधे और उससे कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित ऑक्सीजन प्रयोग की जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण के समय जो ऑक्सीजन निकलती है उसका प्रयोग कैसे किया जाता है, श्वसन में, उत्सर्जन में, पोषण में, जल का प्रकाशीय अपघटन में। सो मेनली प्रकाश संश्लेषण के समय जो उत्सर्जित ऑक्सीजन है उसका प्रयोग श्वसन में किया जाता है। नेक्स्ट, अमीबा में पोषण का प्रकार है, तो अमीबा में किस प्रकार का पोषण है, प्राणी समभोजी, मृतजीवी, परजीवी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अमीबा में प्राणी समभोजी जो है प्रकार का पोषण होता है। नेक्स्ट, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में नहीं होता, तो भोजन का पाचन मुख गुहा में नहीं होता, आमाशय, शुद्धांत्र या ग्रसिका में। तो इनमें से सही उत्तर क्या है, ग्रसिका में, ग्रसिका में पाचन नहीं होता है। नेक्स्ट, भोजन का पाचन पूर्ण होता है, तो भोजन का पाचन पूर्ण कहाँ होगा, मुख गुहा में, शुद्धांत्र में, आमाशय में या बृहदांत्र में। तो भोजन पूरी तरह से पाचित कहाँ होता है, वो होता है शुद्धांत्र में, शुद्धांत्र यानी छोटी आंत में पूर्ण रूप से भोजन का पाचन हो जाता है। नेक्स्ट, प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है, तो प्रोटीन का पाचन कहाँ पर आरंभ हो जाता है, मुख गुहा में, ग्रसिका में, आमाशय में या शुद्धांत्र में। तो जो प्रोटीन का पाचन है वो कहाँ पर शुरू हो जाता है, आमाशय में। नेक्स्ट, दीर्घरोम मुख्यतः विद्यमान होते हैं, तो दीर्घरोम जो है जो उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, शुद्धांत्र में, बृहदांत्र में, आमाशय में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दीर्घरोम मुख्यतः कहाँ होते हैं, छोटी आंत में होते हैं, जिससे कि जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो बढ़ जाता है। तो उंगली जैसी संरचनाएं छोटी आंत में इसलिए होती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खाने का जो पाचित खाना है उसका अवशोषण हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जठर रस में स्रावित HCl का क्या कार्य है, यह अम्लीय माध्यम उपलब्ध कराता है, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है, भोजन को नरम कर देता है या उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो जठर रस है उसमें जो श्रावित HCl है वो ये सारे कार्य करता है, सूक्ष्म जीवों को नष्ट भी करता है, भोजन को नरम कर देता है और यह अम्लीय माध्यम उपलब्ध कराता है पेप्सिन को, क्योंकि पेप्सिन केवल अम्लीय माध्यम में ही कार्य करेगा। तो उपरोक्त सभी इसके उत्तर रहेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय, यकृत, लार ग्रंथि या जठर ग्रंथियां। तो यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्रित ग्रंथि है, तो मिश्रित ग्रंथि यानी जिसमें अंतःश्रावण भी होता है और बाह्य श्रावण भी होता है, दोनों प्रकार का जो रस है वो श्रावित होता है, तो वो मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, यकृत है, अग्नाशय है, शुद्धांत्र ग्रंथि है या लार ग्रंथि है। तो इसका अग्नाशय जो है इसका सही आंसर है, एक जो अग्नाशय है वो एक मिश्रित ग्रंथि है। नेक्स्ट, पित्त कहाँ से श्रावित होता है, पित्त कहाँ से श्रावित होता है, अग्नाशय से, लार ग्रंथि, यकृत या जठर ग्रंथि। तो पित्त जो है वो कहाँ से श्रावित होता है, यकृत से श्रावित होता है और पित्ताशय जो एक्स्ट्रा पित्त है उसको स्टोर करके रखता है, उसका भंडारण करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइलिन विद्यमान है, तो टाइलिन जो एंजाइम है वो कहाँ पर होता है, पित्तरस में, अग्नाशय रस में, जठर रस में या लार में। तो जो टाइलिन है वो कहाँ पर होता है, लार में होता है। नेक्स्ट, जंतुओं में संचित भोजन होता है, तो जंतुओं में संचित भोजन ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन की, स्टार्च की या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जंतु में जो भोजन संचित होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है और जो प्लांट्स में होता है, पौधों में होता है, वो स्टार्च की फॉर्म में रहता है।
नेक्स्ट, ग्लूकोज के एक अणु के अनाक्षी श्वसन द्वारा कितने एटीपी उत्पादित होते हैं? तो देखिए, अनाक्षी श्वसन में एटीपी कम निकलते हैं, ऊर्जा कम उत्पादित होती है, तो 2 ATP है, 4 ATP है, 36 है या 38 है? तो 2 ATPs का सही उत्तर रहेगा। 2 ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो ATP की फुल फॉर्म होती है, सो उसके अंदर अनाक्षी श्वसन में 2 ATP निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कुल कितने एटीपी का लाभ होता है? तो देखिए, पूर्ण ऑक्सीकरण में ऊर्जा जो है वो ज़्यादा निकलती है, इसलिए ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी निकलेंगे? 38, 36, 4 या 2 ATP? तो कितने निकलते हैं? 36 ATP का उत्पादन होता है। श्वसन के उत्पाद हैं, तो श्वसन के उत्पाद हैं ऑक्सीजन, वाटर तथा ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तथा ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर तथा ऊर्जा, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें देखिए, श्वसन में जो है ऑक्सीजन तो निकलेगी नहीं, यानी पहले दो ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही गलत हैं। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर तथा ऊर्जा जो है वो निकलती है, तो सी इसका सही उत्तर रहेगा। पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण वहाँ होगा जहाँ पर पूर्ण रूप से ऑक्सीजन मिलेगी, तो वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, साइटोप्लाज्म में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पूर्ण ऑक्सीकरण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अनाक्षी श्वसन के उत्पाद हैं, तो अनाक्षी श्वसन के उत्पाद क्या होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी, पाइरूवेट, अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अनाक्षी श्वसन में जो है अल्कोहल बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, तो सी इसका उत्तर रहेगा। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है, तो कोशिका जो है वो ऊर्जा को कैसे स्टोर करके रखती है, किस फॉर्म में स्टोर करके रखती है? AMP, ADP, ATP, NADPH। तो ATP जो है कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है। मनुष्य में श्वसनी वर्णक है, तो देखिए हीमोग्लोबिन है, हीमोसाइनिन है, हीमोलिम्फ या प्लाज्मा। तो हीमोग्लोबिन के कारण ही ऑक्सीजन एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो है ट्रांसफर होती है। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की जुड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। मृदा में अवशोषित जल तथा खनिज पादप के किस ऊतक में ऊपर की ओर प्रवाहित होती हैं? तो मृदा से जो है अवशोषित जल और खनिज जाइलम द्वारा, फ्लोएम, दोनों ए तथा बी या ए तथा बी दोनों में से कोई नहीं। तो जाइलम जो है वो जल तथा खनिज जो है वो पादप के हर एक भाग तक पहुँचाता है। पौधों में जल तथा खनिजों का स्थानांतरण कैसे होता है, किससे होता है? तो फ्लोएम, मेसोफिल, जाइलम या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका भी जाइलम उत्तर रहेगा। हमारे दिल में कितने कोष्ठ होते हैं? 2, 3, 4 या 1? तो हमारा हृदय जो है वो 4 कोष्ठ में बटा हुआ होता है, दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय और बाया निलय। रक्त थोड़ा सा क्षारीय प्रकृति का होता है, इसका पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान कितना होगा? 6.8, 7, 7.4 या 8.8? तो इसका आंसर रहेगा 7.4, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, रक्त सवहन करता है, तो रक्त क्या सवहन करता है? केवल ऑक्सीजन, केवल कार्बन डाइऑक्साइड, ए तथा बी दोनों तथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रक्त जो है वो दोनों जो है सवहन करता है, ऑक्सीजन भी हमारे पूरे पार्ट तक भेजता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी वापस लेकर फेफड़ों तक भेजता है, तो ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट, पौधों में व्यर्थ पदार्थ है, तो देखिए पौधों में व्यर्थ पदार्थ क्या है? रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करते हैं, गोंद है, रेजिन है या उपरोक्त सभी। तो ये जो भी पौधे यूज़ नहीं करते हैं वो जो है उनके लिए एक व्यर्थ पदार्थ है, तो उपरोक्त सभी जो है इसके लिए व्यर्थ पदार्थ है। प्लाज्मोडियम में पोषण का प्रकार है, तो प्लाज्मोडियम में परजीवी है, मृतजीवी है, स्वपोषी है या प्राणी संभोजी। तो प्लाज्मोडियम में कैसा पोषण है? परजीवी जो है प्रकार है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा सरलतम आहार संश्लेषित होता है? तो कौन सा सरलतम आहार है? फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज या स्टार्च। तो ग्लूकोज जो है वो प्रकाश संश्लेषण का सरलतम आहार जो है वो संश्लेषित होता है। पौधों में भोजन किस रूप में संचित रहता है? ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च या सेलुलोज। तो पौधों में भोजन जो है वो स्टार्च के रूप में संचित रहता है और जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता क्यों होती है? तो पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता अमीनो अम्ल व प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, डीएनए आरएनए के संश्लेषण के लिए, एटीपी के संश्लेषण के लिए या उपरोक्त सभी के लिए। तो पौधों में नाइट्रोजन की आवश्यकता उपरोक्त सभी के लिए होती है। नेक्स्ट, पौधों के हरे पत्तों में विद्यमान वर्णक है, तो हरे पत्तों में क्या उपस्थित होता है? क्लोरोफिल, जैंथोफिल, कैरोटीन या फाइकोसाइनिन। तो देखिए, पौधों के हरे पत्तों में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जिसके कारण जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट, पाइरूवेट का कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर तथा ऊर्जा में अपघटन होता है कहाँ पर होता है? केंद्रक में, साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जिकाए में। तो पाइरूवेट का जो है पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में।
मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान कहाँ पर होता है, श्वास नली में, श्वसनिका, श्वसनी या कुपिकाओं में। तो देखिए आपने जो है श्वसन तंत्र का डायग्राम किया हुआ होगा, तो उसमें आपको पता ही है कि जो गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं उनको बोलते हैं कुपिकाएं, जहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है। तो क्या होगा उत्तर इसका, कुपिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फुफ्फुस धमनी रक्त को हृदय से लेकर आती है। तो देखिए फुफ्फुस धमनी रक्त को हृदय से लेकर आती है, कहाँ पर लेकर जाती है फुफ्फुस धमनी, वृक में, फेफड़ों में, यकृत में या शुदांत्र में। तो फुफ्फुस धमनी रक्त को हृदय से फेफड़ों में साफ होने के लिए लेकर जाती है, जहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकल जाती है और ऑक्सीजन जो है दोबारा रक्त में आ जाती है। नेक्स्ट, रक्तवाहिकाएं जो रक्त को वापस हृदय में लेकर आती हैं, तो रक्तवाहिकाएं जो रक्त को हृदय में वापस लेकर आएंगी वो क्या होंगी, धमनियां, महाधमनी, शिरा या रक्त केशिका। तो वो क्या होती हैं, शिराएं होती हैं जो रक्त को वापस हृदय में लेकर आती हैं, और हृदय से फिर रक्त जो है वो दोबारा फेफड़ों में जाता है, साफ होकर फिर वापस हृदय में आता है। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण का एक सीमित कारक होगा, तो मेनली जो प्रकाश संश्लेषण में क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, प्रकाश है या क्लोरोफिल है, तो इसमें एक मेन कारक क्या है, ऑक्सीजन जो है वो मेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में उत्सर्जित ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन निकलती है उस वो कहाँ से निकलती है, जल से निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड से होती है, ग्लूकोज से होती है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण में उत्सर्जित ऑक्सीजन जल से निकलती है। ग्लूकोज में ऑक्सीजन कहाँ से आती है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, इसमें ऑक्सीजन कहाँ से आती है, जल से, वायु से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ए तथा बी दोनों से। तो कार्बन डाइऑक्साइड से जो है ग्लूकोज के अंदर ऑक्सीजन आती है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है, तो प्रकाश संश्लेषण में तापीय ऊर्जा में, यांत्रिक, रासायनिक ऊर्जा में या स्थितिज ऊर्जा में। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। पित्त का मुख्य कार्य क्या है, तो हमने पढ़ा था पित्त जो है वो यकृत से निकलता है और उसका भंडारण पित्ताशय करता है। तो उसका मुख्य कार्य क्या है, वसा का इमल्सीकरण, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वसा का इमल्सीकरण का मतलब क्या है कि जो बड़ी बड़ी गोलिकाएं हैं उनको छोटे छोटी गोलिकाओं के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो इसलिए पित्त का मुख्य कार्य क्या है, वसा का इमल्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम देखें श्वास नली के नियतित होने को कौन रोकता है, तो श्वास नली के नियतित होने का मतलब क्या है कि श्वास नली जो है वो आपस में चिपकती नहीं है, उसको ऐसा जो है होने से कौन रोकता है, पसलियां, अस्थियां, उपास्थियों के छल्ले या पेशियां। तो आपने देखा होगा कि इस तरह से जो है जो श्वास नली होती है उसके ऊपर ऐसे सी शेप में जो है क्या उपस्थित होते हैं, छल्ले उपस्थित होते हैं, तो इसलिए उनको जो है चिपकने से रोकते हैं उपास्थियों के छल्ले। शरीर में यूरिया कहाँ बनता है, वृक में, हृदय में, पेशियों में या यकृत में, तो यूरिया कहाँ बनता है, यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्व किन रक्तवाहिकाओं में विद्यमान होते हैं, धमनियों में, शिराओं में, केशिकाओं में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए वाल्व जो है किन रक्त कोशिकाओं में विद्यमान होते हैं, धमनियों में नहीं होते, क्योंकि धमनियों में जो प्रेशर है, जो दाब है रक्त का वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वाल्व की आवश्यकता नहीं होती। तो केशिकाओं में नहीं होते हैं, शिराओं में होते हैं, ठीक है, शिराओं में जो है वाल्व उपस्थित होते हैं ताकि जो रक्त है वो वापस ना जा सके। नेक्स्ट, हृदय में रक्त को बाईं ओर आने के लिए रक्त को गुजरना पड़ता है, तो किससे गुजरना पड़ता है, फुफ्फुस में से, वृक में से, यकृत में से या शुदांत्र में से। तो गुजरना पड़ता है फुफ्फुस में से, ठीक है, रक्त जो है पहले फेफड़ों में जाता है, साफ होकर फिर वापस आता है। नेक्स्ट, कोशिकाओं में भोजन की ऑक्सीकरण क्रिया कहलाती है, तो कोशिकाओं में भोजन की ऑक्सीकरण क्रिया क्या कहलाएगी, पोषण, स्वस्न, परिसंचरण या उत्सर्जन। तो भोजन का ऑक्सीकरण जो होता है, ऑक्सीकरण क्रिया, वो क्या कहलाती है, स्वसन कहलाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अम्लीय माध्यम में क्रियाशील रहता है, तो देखिए हमने पढ़ा था जठर ग्रंथियां जो हैं वहां से HCl निकलता है जो कि अम्लीय माध्यम प्रोवाइड करता है, तो कौन सा एंजाइम है जो अम्लीय माध्यम में क्रियाशील रहेगा, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमिलेज या लाइपेज। तो पेप्सिन एंजाइम जो है वो केवल अम्लीय माध्यम में कार्य करता है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है, तो हीमोग्लोबिन श्वेत रक्त कणिकाओं से, लाल रक्त कणिकाओं से, प्लेटलेट से या लसिका से। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो जो हीमोग्लोबिन है वो लाल रक्त कणिकाओं के साथ संबंधित है। सो ये थी इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 7 नियंत्रण एवं समन्वय। और अगर आपको वीडियो से बेनिफिट होता है तो लाइक शेयर जरूर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।